गुड इवनिंग। हमने एक कॉजल लुईस अप्रोच को पढ़ लिया था, उसे समझ लिया था, और बेटा अब हम नेक्स्ट थ्योरी पे बात करेंगे, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी जो है ये वेव मैकेनिकल जो थ्योरी है या वेव मैकेनिकल मॉडल जो था उस पे बेस्ड है। और जो कॉजल लुईस की कुछ अप्रोच थी जो बिल्कुल डिफरेंट मॉडल यहाँ पे आपका बनेगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं वैलेंस बाउंड थ्योरी को, और आप चाहें तो लिख लीजिए दिस इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल थ्योरी। ठीक है, अच्छा बिल्कुल सिंपल वे में हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एटम है, और एटम भी हम हाइड्रोजन का ले लेते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, इसे मैं Na कह रहा हूं, नाम दे दिया इसे जस्ट हमने। और इसमें सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होगा इस तरह से इसके चारों। ठीक है, ओके, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, इसे हमने ए एटम कह दिया। और बिल्कुल ऐसा ही एक और एटम है, इसे हमने Nb कह लिया है, ये हाइड्रोजन का ही एटम। ठीक, N मतलब उसका न्यूक्लियस, ओके, और इसके पास भी कहीं एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फाइन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। अच्छा, अभी एज्यूम कीजिए कि ये बहुत दूर दूर हैं, ठीक, बहुत दूर हैं, इसका मतलब इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, बस जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो देखें किधर लग रहे होंगे। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा होगा जो आपका न्यूक्लियस की ओर होगा, ये सबको पता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बी वाले एटम की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अपनी ओर पुल कर रहा होगा। बिल्कुल सिमिलरली एक्शन रिएक्शन पेयर भी होगा, तो ये रिएक्शन रहा, आप इस तरह से इनका अट्रैक्टिव फोर्स दिखा सकते हैं। ये बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो यहां पर लिख लीजिए when they are far away no force between them। ठीक है, ओके, मैं इस पाथ को रिमूव कर दूं, इस पाथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हाँ ये ऑर्बिट के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ आपको क्या दिखाया, हमने आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं और दो उनके न्यूक्लियस, तो एक एटम हमारे पास हाइड्रोजन का ए है, एक एटम हाइड्रोजन का बी है। अच्छा, अब ऐसा करते ना, इसको क्लोज ले जाने की कोशिश करते हैं, तो हमने इनको एक दूसरे के क्लोज ले गए, फाइन। अब जरा सी देखिए क्या होगा, हाँ, जब ये पास पास आएंगे तो क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे। चलिए अब एज्यूम कर लीजिए ये क्लोज है, या थोड़ा सा मैं आपको, अगर ये मूव हो जाए तो मैं मूव करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ओके, अगर ये मूव, चलिए नहीं हो रहा है, बट अगर ये क्लोज आ गए तो क्या होगा, बी वाला जो न्यूक्लियस है वो इसको भी अट्रैक्ट करने लगेगा, रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं आपको, और ए वाला इस पे एक फोर्स लगाने लगेगा। ये दो फोर्सेस समझ में आए आपको, रेड कलर से जो मैंने आपको दिखाए, इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस और लगने लगे, ठीक है, बिल्कुल इसके एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स और लग रहे होंगे साथ में, रिएक्शन पेयर। अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अपनी ओर खींचेगा, बिल्कुल अच्छी बात हो गई आपकी, ओके। अच्छा, साथ में ना कुछ रिपल्सिव फोर्स भी लग रहे होंगे, भाई पास पास आ गए हैं तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, इसको कुछ डिफरेंट कलर से दिखाएं। चलिए इसको मैं आपको ब्लू कलर से दिखाता हूं, ये बेटा मेरे पास रिपल्सिव फोर्स होंगे, ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ब्लू कलर से मैंने आपको रिपल्सिव फोर्स दिखाया, ओके। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, बात कुछ समझ में आई? तो जब ये दूर दूर थे तो इनपे केवल एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के फोर्सेस लग रहे थे, अब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे न्यूक्लियस को रिपेल भी कर रहे हैं,
बात समझ में आई? हाँ तो अगर हम इसको एक अच्छे से डायग्राम के फॉर्म में देखें तो ये देखें जरा कैसे बनेगा। अब इस डायग्राम को आप देखिए, हाँ ये हमने बिल्कुल वही है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस आपको मैं रेड कलर से दिखा दे रहा हूं, ये मेरे पास न्यूक्लियस है दोनों, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी आपको देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मैंने आपको ग्रीन कलर से ये दिखा दिए। अब इसमें जो डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं आपको, वो फोर्सेस आपके कोल्ड फोर्सेस हैं, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। और आप देख रहे हैं कुछ न्यू फोर्सेस क्रिएट हो गए, न्यू फोर्सेस जो है वो डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, ब्लू वाला ये देखिए, फाइन। तो ये ब्लू कलर हमने यूज किया, ये न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गए यहां पे, आप देखेंगे तो ये दिखा भी हुआ है, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसी तरह से जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो भी जनरेट होंगे, और ये रिपल्सिव फोर्सेस अगर मैं आपको ऑरेंज कलर से दिखाऊं, देखें ये देखिए, ये किसके बीच है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच है। तो ये न्यू फोर्सेस जब ये क्लोज आए, बात समझ में आई? अब बेटा समझिएगा, इनिशियली ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि सपोज हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ग्रेटर है, वेक्टर सम ले लेंगे आप, वेक्टर पढ़ लिया है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है, नेट सम की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा है, इफ 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 अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन रिपल्सिव फोर्स, क्या होगा, ये और क्लोज आएंगे बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है। सो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, दे कम मोर क्लोजर, फाइन, ओके। और जब ये क्लोज आएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही है ये। और अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर आपकी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम क्या है, जहां पर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों इक्वल हो जाए। तो हमने कहा कि दो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर थे, हम उन्हें पास पास लाए, उनके बीच कुछ फोर्सेस जनरेट हुए, न्यू फोर्सेस अट्रैक्टिव भी होंगे रिपल्सिव भी होंगे। हमने अज्यूम किया अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा थे, उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा था नेट रिपल्सिव फोर्स से, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को और क्लोजर लाए, और क्लोजर लाए तो उनकी पोटेंशियल, क्यों क्लोजर आ रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती गई होती गई होती गई, एक टाइम ऐसा आया, हाँ अल्टीमेटली लिख लीजिए, अल्टीमेटली आपका इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाए, नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, ये बात समझ में आई, ओके। और यहां पे आपने कहा स्टेबल मॉलिक्यूल H2 का बन गया, स्टेबल मॉलिक्यूल H2 का बन गया इस फॉर्म, फाइन। और जब ये मॉलिक्यूल बना उस समय जो इनके बीच का डिस्टेंस था वो था 74 पिकोमीटर, और यही आपकी बॉन्ड लेंथ हो गई, दैट इज 74 पिकोमीटर, बॉन्ड लेंथ की बात हमने लास्ट क्लास में की जब हम बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ रहे। तो ये है बॉन्ड फॉर्मेशन की पूरी कहानी, ठीक। तो हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल एच एटम लिया, क्योंकि सबसे आसान है एच को इमेजिन करना, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, अदरवाइज कोई और मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें जो एटम होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में वन से ज्यादा हो सकते हैं, उनके बीच जो अट्रैक्शन रिपल्शन होगा वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे आसान था एच को स्टडी करना, और उसी से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। अब इसके बाद बेटा थोड़ा सा ना एक एनर्जी डायग्राम समझना भी जरूरी है, तो उसको भी देखते हैं।